الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضل الانبياء ما الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه ربه ما اوحى

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सलात का सईद रसूल अल्ला वाल आलिका वाबिका सईद या हबीबल्लात सलाम का सईद या रमतमी वाल आलिका वाबिका सईद या ख़ातनबीजी बाद सलाद नहत ही वाजिबातराम हज़रा शाम कर राम अहल ख़ाना जो पुनिया बरदरान हैं उनके लिए मुबारकबाद है जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनका अल्लाह ताली इस पर उनको अजरेजी मुताब फरमाए मुझे हाफिज़ रजवान साहेब ने प्रोग्राम के लिए कहा था तो मैं मख्तरा चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा मुझे उम्मीद है कि आप खामोशी से समात फरमाएँगे सराह बकरा की एक आयत का कुछ हिस्सा मैंने तिलावत किया है जो तीसरे पारे की इब्तिदा है अल्लाह रब्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये रसूल हैं कि जिन्हें हमने फजीलत दी है उनमें से बाज व बाज़ पर और कुछ वो हैं इनमें से जो अल्लाह से हम कलाम होने का भी शर्फ़ पा चुके और कुछ के दराजात और बुलंद फरमा दिए पहली बात तो ये जहन में रखी जाए कि अल्लाह के नज़दीक सबसे जो कुरब हासिल करने का जो चीज़ जरिया है वो अल्लाह की बंदगी है अल्लाह की इबादत है और सबसे आला मनसब अल्लाह के नज़दीक वो मनसब नबूवत है और अम्बिया और मुरसलीन में से यानी नबी और रसूलों में से अफजल रसूल होते हैं क्योंकि नबूवत से एक स्टेप ऊपर रसालत है नबी और रसूल में एक आम सा फ़र्क़ यानी आम अंदाज़ में अगर समझा जाए तो वो ये है कि नबी पिछली शरीयत को भी लेकर चलता है रसूल नई शरीयत लेकर आता है या नई किताब लेकर आता है और फिर रसूलों में से भी कुछ उलुल अज़म हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने आम रसूलों से ज़्यादा मरातब अता फरमाए फिर इर्शाद फरमाया वफ़ा आबादराज कुछ वो हैं कि हमने सब पर उनके दराजात बुलंद कर दिए मुफसरीन राम ने लिखा कि इससे मुराद हुजूर नबी करीम सल्हल की ज़ा गिरामी है कि, कि ताला ने सब अम्बिया मुरसलीन पर आपको फजीलत अता फरमाई शेख महकिक आल अतलामा अब्दुलक मुहदैलवीरमा ने अशतल में लिखा कि सबसे अफजल अम्बिया मरसलिन में हमारे आको मौला सल्लम हैं फिर हज़ूर के बाद सबसे ज़्यादा मर्तबा मरतबा अम्बिया हज़रत जनाब इब्राहीम खलीलल्ला नबीन सलात का है फिर उनके बाद जनाब हज़रत मूसा कलीमुल्ल अबीन सलातम यानी इस तरह तरतीब है इसके बाद फरमाया कि ख़ामोशी बेहतर है इस मसला को यूँ समझ लीजिए कि बहसीत नबी तमाम नबी बराबर हैं बसियत रसूल तमाम रसूल बराबर हैं यानी नबूवत और रसालत में किसी किस्म का भी कोई शक नहीं होना चाहिए हमारे आप जानते हैं कि जो मुबादियात हैं इस्लाम की उनमें आप ईमान की जो सिफ़तें पढ़ते हैं तो उनमें ये चीज़ मशकूर है कि हम तमाम अम्बिया पर ईमान रखते हैं और इस्लाम में ही ये तस्वुर है कि किसी नबी की या किसी रसूल की तोहन नहीं की जाती और अगर कोई करे तो वह दायरा इस्लाम से खारिज है तो तमाम नबी बहसीत नबी बराबर हैं बहसीत रसूल तमाम रसूल बराबर सब का अदब एहतराम लाजिम लेकिन अल्लाह ने जिसको जितनी फज़ीलत दी है उसे मान लेना चाहिए खल़ से अलिया अलिया से रसूल अला हज़रतन का ख़ल़ से अलिया अलिया से रसुल के आम मखलूक से चूँकि आम मखलूक में इससे मुराद मोमिन हैं जाहिर है, है कि काफिर और मोमिन में से मोमिन का मरतबा ज़्यादा है अल्लाह के नज़दीक फिर उन ममिन में से भी कुरान कहता है इन्ना इन अकरा मकमल अतकुम जो तुम से तुम में से ज़्यादा मतकी हैं परहेज़गार हैं वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज्जत वाले हैं तो फिर उनमें से भी अलिया के राम जो अपर लेवल के हैं खल़ से अलिया आम मखलूक से अलिया अफजल अलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी आम मखलूक से आला अलिया हैं और अलिया से आला रसूल और रसूलों में से भी आला हमारे नबी सल्लल्लाहु सल्ह्स तो ये मरतबा पेश नज़र रखा जाए कि जो फ़जीलत जो अल्लाह ने खसूसियत जिसको को अता फरमाई है उसे मान लेना चाहिए ये चूँकि माह मुक़दस रबी अला है इस मुनासबत से मैं दो चार बातें सिर्फ अर्ज़ करता हूँ सबसे पहली बात तो रबी अवल में जो मीलादलनबी के नाम पर या महफिल के नाम पर कॉन्फ्रेंस के नाम पर किसी नाम से भी प्रोग्राम किया जाए बस लोग इसको तनकीद की नज़र से देखते हैं तो इसमें कोई झगड़ने वाली लड़ने वाली बात नहीं बड़ी मुनासिब सी बात है कि मिलादनबी की इस प्रोग्राम में जैसे आज की ये महफिल है इसे आप कोई भी नाम दे दें लेकिन इसके अज़ा पर गौर करें कि वो क्या हैं पहले तिलावत फिर नाथ फिर उसके बाद चंद बातें बयान या दरस हदीस दरस कुरान वब इसको आप इकट्ठा कर दें तो इसको आप कह रहे हैं कि ये महफ़िल है तो जब अलीदा से नात पढ़ें तो क्या अल्लाह के रसूल की तारीफ़ करना मना है अलग से आप कुरान पढ़ें तो क्या कुरान मना हो सकता है कैसे मुमकिन है कि कोई मुसलमान ये समझे तो इसलिए ये मिलाद बनाना कोई अजीब चीज़ नहीं ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुआफ़ है इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर लड़ाई झगड़े की नौबत आए या इस पर बंदा जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि यह जायज़ है या इस तरह है इसलिए इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है अलबत इसमें में ये होता है कि बाज़ात लोगों की अपनी अपनी कैफियात होती हैं कुछ लोग महफिल के रंग को पसंद करते हैं कुछ वैसे दुरुदो सलाम पढ़ लेते हैं कुछ वैसे किसी और अंदाज़ में लोगों की खिदमत करके लोगों को खाना खिला के राज़ी होते हैं बड़े लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को पानी पिला के उनको खाना खिला के खुश होते हैं आपने देखा होगा के लोगों के हाँ आप जाते हैं तो बाज़ लोग बड़े पुरजोर तरीके से पुरज़ोर अंदाज़ में आपको दावत देंगे खाने की तो कुछ लोगों को अल्लाह ने ऐसी कैफियत दी है कि वो इसी बात में खुश हैं तो अगर मिलाद के नाम पर किसी को खाना भी खिलाया जाए तो कोई गलत बात नहीं है ये भी अच्छी बात है लेकिन अगर किसी को मीलादनबी से तकलीफ़ हो तो ये तक, ये बाहर हाल एक तशवीश वाली बात है कि नबी करीम सल्लाम की विलादत पर ताजुब करना ये कहना कि ये दुरुस्त नहीं है या अल्लाह के रसूल ने पसंद नहीं फ़रमाया हुजूर ने किया नहीं तो ये करना मुनासिब नहीं तो ऐसा नहीं है क्योंकि शरीयत में अगर किसी चीज़ से मना ना किया जाए तो ये उसके जायज़ होने की दलील होती है और ख़ुद नबी मुकरम सल्लम से अर्ज़ किया गया जैसे बुखारी की हदीस में हैज़ूर सलील्ह् वसम से रोज़े की वजह पूछी गई तो फ़रमाया कियन वाल तोफ़ी ये वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ इस वजह से हुजूर हर पीर को रोज़ा रखते थे तशरीफ़ रखे मेहरबानी तो ये मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी अजीब बात नहीं है अलबत् इस मौका पर मैं जो आयत एक लोग पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल नमा बशर उमस्कुम ये कि भाई हुजूर भी बशर हैं आम लोगों की तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादियाँ कहीं हज़ू आल सलातम भी आम मखलूक के साथ रहते थे इसमें ये बात बड़ी समझने की है कि ये बशरीत जिसके बारे में कहा गया है ये उस वक्त की बात है जब कुफ़ार मक् से हुजूर दावत और तबलीग जब करते थे दावत देते थे उनको दावत इल्ला, तो वो आगे से ये कहते थे हमें नहीं पता चलता आप क्या कहते हैं हमें समझ नहीं आती अल्लाह ने फरमाया महबूब आप इनसे फ़रमाएं कि मैं तुम जैसा बशर हूँ तुम्हारे मुआशे में रहता हूँ लस्तो बे जिनन व लसत तो भी मलकिन, मैं ना जिन हूँ ना फरिश्ता हूँ कि जो तुम्हें समझ ना आए तुम्हारे साथ रहता हूँ झूठ क्यों बोलते हो जैसे तुम बशर हो वैसा ही मैं बशर हूँ इसलिए जो मैं कहता हूँ वो मानो इसका ये मतलब नहीं था कि कोई मुसलमान उठ के कहे कि जी हुजूर भी बशर और हम भी बशर अगर ये बराबरी का तस्वर होता तो सहाबा ये बात ज़रूर करते हैं तो सहबा ने जब हजूर को देख कर रोज़े रखने शुरू किए तो सहबा के को हज़ू ने मुलाजा फरमाया लड़खड़ाते हैं पूछा क्या है अर्ज़ किया हमने भी रोज़े रखने शुरू किए तो हजूर तो रोज़ा रखते हैं तो कुछ खाते ही नहीं कुछ भी तनाबुल नहीं फ़रमाते ना शहर में ना इफ्तार में तो हज़ूर ने इरशाद फ़रमाया अयू कम मिसली तुम में से कौन है मेरी मिसल कि मुझे तो मेरा रब खिलता पिलाता है तो अब यहाँ से आप सोचें कि ये कौन सी बशरीत है फिर ये भी समझ लीजिए कि बशरीत हम भी मान रहे हैं हम अलसन्नत व जमात के असूल में ये बात मौजूद है कि जो बशरीत का इनकार करे वो तो दहरा इस्लाम से ख़ारिज है हज़ूर को बशर मानना लाजिम है लेकिन बशर मान कर भी नूर मानते हैं क्योंकि बशर और नूरानियत में बशरीत में नूरानियत में कोई कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है कि नूरानियत की अपोज़िट है जुल्मत यानी ये रोशनी है तो इसकी ज़िद्द क्या है अंधेरा ओबियसली अंधेरा नूर का मतलब रोशनी है तो नूरानियत का ज़िद क्या है अंधेरा तमत और नूर इकट्ठे नहीं हो सकते आप कहें दिन है मैं कहूँ रात है कोई कहे दोनों हैं तो गलत होगा या दिन है या रात तो नूरानियत और बशरियत इकट्ठी हो सकती हैं। कहाँ लिखा है कि नहीं इकट्ठी हो सकती तो हम तो बशर माने बैठे हैं अगर कोई नूर नहीं मानता तो जवाब इस बात का चाहिए हमें कि जब्राइल तो नूर हैं कि नहीं तो जहाँ जब्राईल अलैहिस्सलाम न जाएं अगर वहाँ से हुजूर की बशरीत आगे गुजर जाए तो मैं कहता हूँ सिर्फ़ ये वाला बशर ही मान लें नूर ना माने ये बशर तो समझें हमें भी समझाएं ये कौन सी बशरीत है तो इसलिए ये बशरीत का माना है कि सैयदुल बशर हैं बेमिसल बशर हैं इसलिए ये इस बहस में ना पढ़ा जाए बल्कि इस इस एंगल से अगर समझेंगे तो बहुत आसान होगा फिर ये भी समझने की बात है कि ये बशरीत कौन सी है हमारी और आपकी हमारे तो हालात ये हैं अभी सर्दियों में भी मक्खियाँ जान नहीं छोड़ती जी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये है कि जिसमें अतहर पर बैठी ना मक्खी कभी कभी भी नहीं जिसमें अतहर पर बैठी और यहाँ इस बशरीत से उड़ती नहीं है तो फिर ये कौन सा कंपैरिजन है थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए ये अच्छा तरीक़ा नहीं है और रसालत को परखने के लिए आपने समझना है तो आलामे नबला में इमाम जहाबी ने लिखा उन्होंने नक़ल किया है हज़रत सदा आमिना फ़रमाती हैं कि हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो फ़रमाती हैं खारा जमीन नूर अदाअमिन कसूर व शाम हुजूर पैदा क्या हुए कि शाम तक के महल्लात मैंने अपनी आँखों से देखे इमाम सयोती रहमा ने तबसरा किया इमाम तो है, 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 है इमाम सयोती तो मुहदस भी हैं मुफसर भी हैं आशिक रसूल भी हैं सूफ़ी भी हैं और मर्रख भी हैं इमाम सयोती वो हैं जिन्हें जागते हुए सत्तर दफ़ा हज़ूर सलील वसलम की ज्यारत हुई तो इमाम सयोती कहते हैं कि ये जो अदाअत मैंने खसूर शाम कहा है ये ख्वाब की बात नहीं है ये हज़रत सैदा आमिना ने अपनी ज़हरी आँखों से महल्ल देखे हैं शाम के तो हुजूर के तशरीफ़ लाने से ये हुआ फिर अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो हज़ूर दुनिया में तशरीफ़ लाते ही अपनी उम्मत को याद करते हैं मुझे बताएं आम बच्चों की क्या कैफियत होती हैं ये तो इमामबियाँ हैं कुरान कहते हैं सूर्य मरियम उठाइए हज़रत जनाब ईसीाम पर उनकी वालदा पर मुश्किल वक्त आया जब वो पैदा हुए तो आप जानते हैं कि बग़ैर बाप के तशरीफ़ लाए दुनिया में ये अल्लाह की हमत है कुदरत जनाब ईसी बग़ैर बाप के पैदा हुए जनाब आदम बग़ैर माँ और बाप के ये अल्लाह की कुदरत कामिला है हज़रत सदा मरियम परेशान थी अर्ज़ किया मैं क्या करूँ तो अल्लाह ताल ने फरमाया कि बस खामोश रहो तो जब लोगों ने पूछा या उख्ता हारून माँ काना अबूकम असव माँ कानत उम्म के बगैया ए उखते हारून ना तो तुम्हारा बाप ऐसा था ना माँ ऐसी ये क्या किया तूने बच्चा कहाँ से आ गया फ़ारत अल उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया कबल इसके कि कितराज़ात बढ़ते हज़रत सदा मरियम पर तो हज़रत जनाब ईसा सलाम उधर पंगूड़े में थे वहाँ से ही बोले काला इन्नी अब्दुल्ल ये तो क़ुरान है कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और सिर्फ़ अब यार लोगों को तो यहाँ तक ग़लत फहमी है कि वो कहते हैं चालीस साल के बाद हुजूर को पता चला मैं नबी हूँ हुजूर फ़रमाते हैं कुन तो नबैय व आदमुबिनू जसद हज़रत आदम सलाम अभी पैदाइश के मरहल में थे तो मैं उस वक्त भी नबी था जनाब ईसला पंगूड़े में कह रहे हैं कि इन्नी आबूदल्ला मैं अल्लाह का बंदा हूँ लेकिन सिर्फ आम बंदा नहीं आता नल किताबा वज़ा अल नी नबीया मैं अल्लाह का नबी भी हूँ और रसूल भी हूँ आता नहीं अल किताब। अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है तो ये तो अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो इस कैफियत में भी जानते हैं फिर हुजूर हज़ू आलम इमाम्बिया हैं तो ये कुछ खसूसियात होती हैं जो आम लोगों को हासिल नहीं हो सकती इसलिए इस एंगल से समझें तो फिर सवाल यह है कि अब बशरीत कौन सी है आपके पेश नज़र इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया इसी तरह तुबरानी ने नकल किया है उमेरा बिनते मसूद से वो कहती हैं कि हम पाँच अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हजूर अलैहि साम के पास गई तो हजूर कदीद तनावल फरमा रहे थे सूखा हुआ गोश्त कहती कि हम बैठी तो हजूर ने हमें चुबाया हुआ गोश्त मुँह से निकाल कर दिया पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ये आ, आप तशरीफ तो रखें अगर थोड़ी देर के लिए बस मैं बात जल्दी ख़त्म कर दूँगा तो हमारे यहाँ अगर कोई किसी को इस तरह कोई चीज़ दे तो कोई कबूल नहीं करता बाप अपने मुंह से निकाल के चीज़ बच्चे को दे बेटा नहीं खाता लेकिन वो कहते हैं हमने खाया और सिर्फ खाया नहीं सारी ज़िंदगी हम पाँचों बहनों के मुँह से कभी कोई बदबू नहीं आई ये ये हजूर के एक लाआब दहन का मज़ा है और फिर इसी तरह दूसरे रिवायत में कि हुजूर की खिदमत में एक ख़ातून आई, वो खातून शदीद कलाम करती थी गुफ्तु में तेज़ थी कुछ ज़्यादा बोल जाती थी मतलब बहुत गलत भी बात हो जाती थी गुस्से में तो हुजूर की खिदमत में आई अर्ज़ किया कुछ दें हुज़ूर तनावल फरमा रहे थे कुछ हज़ूराम ने बर्तन से उठाकर उनको दे दिया उन्होंने कहा यह नहीं चाहिए वो जो मुँह में चुबा रहे हैं वो दें तो मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा मांग अब मांगा क्या वो तो गोश्त का टुकड़ा था तो हुजूर से तो कुछ जो थोड़ा मांगते हैं हुजूर ज़्यादा आता फरमाते हैं तो हुजूर ने उसी वक्त सरकार में ना ला है न हाजत अगर की है जो मांगा उसी वक्त हुजूर ने मुँह से निकाल के दे दिया ये भी हुजूर की शान है आम बशरीत को ये नहीं कभी भी ये शर्फ नहीं मिल सकता तो फिर उन्होंने ये तनावल किया कहते सारी ज़िंदगी उस औरत ने दोबारा कभी ऐसा वैसा कलाम नहीं किया हमेशा अच्छी बातें मुँह से निकली इस एंगल से बशरीत समझेंगे तो समझ आएगी और अगर वो वाली बात है कि उनके भी दो हाथ हैं हमारे भी दो हाथ हैं वो भी आम लोगों की तरह रहते थे तो मेरे ख़्याल में ये किसी उम्मीद का तस्वुर नहीं हो सकता तो हमें गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताली ने जो फ़ज़ीलत जो जो खसूसियात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई हैं हम उनको मानें और जान से माने क्योंकि हुजूर की सीरत को भी माना जाए सूरत को भी माना जाए सीरत भी बेमिसाल है और सूरत भी बेमिसाल है हज़रत जनाब जाबर इबन अल्लाह रदील्ल्न से मरवी है कि हज़ू सलील वम जब गुफ्तु फरमाते तो दाँत मुबारक जो थे उनमें थोड़ा सा खला था गुफ्तु फरमाते तो बाकायदा नूर की झड़ी निकलती थी नूर ऐसे रोशनी आती थी बाकायदा और ये दिन में भी होता था दिन के वक्त भी अब किसी एक से की कैफियत हो तो बात अलग है और अगर सारे से हुजूर के हसन व जमाल की बात करें तो किसी एक आध बंदे को तो गलत फहमी हो सकती है सारे से को तो नहीं हो सकती और सबको छोड़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदाएँ हैं वो अगर क़ुरान से मिलें तो फिर तो इसलिए ये बहुत अहम चीज़ है कि नबौत और रिसालत को आम लोगों की तरह नहीं परखना चाहिए कभी भी मकाम नब को समझने के लिए अपनी अक़ल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने जो मकाम को अताब फरमाया है वो पहले किसी को भी नहीं अता फरमाया हजरत साहबा कराम तशरीफ़ फरमाते हु तशरीफ़ ले गए और वह तस्करा कर रहे थे सही हन में यह हदीस है हज़ू सल आसम ने उनकी गुफ्तु सुनी मैं मफहूमन अर्ज़ कर देता हूँ मुख्तसरा गुफ्तु वो ये कर रहे थे कि हज़रत जनाब इब्राहीम खलीलुल्ला हैं एक कह रहे थे कि जनाब मूसा हैं, क्योंकि अल्लाहु मूसा तकलीमा ये हज़रत मूसा सलाम ने बहुत कलाम किया अल्लाह से बार बार हम कलाम होते थे और ये उनकी खसूसियत है इस हवाले से कि दुनिया में किसी और नबी को ये शर्फ नहीं मिला कि इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह से हम कलाम हो सिवाय सिवाए नबीकम सल्ला वसम के कि हज़ूर ने मेराज की रात अल्लाह रब्ल्ज़त को सिर्फ़ अल्लाह से हम कलाम नहीं हुए बल्कि हम कलाम होने के साथ साथ अल्लाह ताली का एन ज़ात का मुशाह भी फरमाया है ज़ात बारी ताली का दीदार किया है तो जनाब हज़रत सिहबा कराम ये कह रहे हैं कोई हज़रत जनाब इब्राहीम आसमाम के बारे में कोई हज़रत जनाब मूसा आसमाम के बारे में किसी के बस ये दलील थी कि हज़रत आदम सल्लम अबुलबर हैं तो ये सबसे पहले नबी हैं ये सबसे अफजल होने चाहिए हुजूर ने ये सारी बातें सुन ली और सुनकर ख़ुद फैसला फरमा दिया फैसला भी हमारे हक़ में हुआ जो हम सोचते हैं आज अगर ये बात इस तरह ना हुई होती तो आज लोग कह सकते थे कोई बात लेकिन हुजूर ने सब की बात सुनकर उनको फरमाया कि मैं सुन रहा था जो तुम कह रहे थे याद रखो वो जो हैं बिल्कुल हैं यानी जो जिनको खलीलुल्लाह कह रहे हो जनाब इब्राहीम आसलम व खलीलूल्ला ही हैं जनाब मूसा अलैहि सलाम कलीमुल्लाह हैं नजीयुल्लाह हैं तो लेकिन ये बात जहन में रखो रखो कि मैं हबीबुल्लह हूँ तो हुजूर ने इस तरफ इशारा फरमाया कि जो मर्तबा और मक़ाम ने मुझे अता फ़रमाया है वो किसी और के हिस्से में नहीं आया तो इसलिए ये हुजूर की खसूसियात हैं इससे दिल तंग नहीं होना चाहिए हुजूर का जिक्र खैर सुनकर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये होता है कि किसी का दिल तंग हो जाए किसी को मसला हो जाए हुजूर का ज़िक्र सुनने से तो बस फिर ये हम समझ लें कि ये ईमान में गड़बड़ है तो हमें इस मुबारक महीने में जहाँ सलाम की कसरत करनी चाहिए जहाँ महाफिल में हमारी शिरकत होती है वहाँ साथ, साथ मैं ये बात भी अर्ज़ करूँगा कि हमें चाहिए कि हम नबी करीम अलैहि वसल्लम के उसव हसना को भी अपनाएं, हुजूर की सीरत तयबा को ज़रूर पढ़ें हमारे यहाँ लोगों में इतना ज़्यादा ये रुझान नहीं है पढ़ने पढ़ाने का तो कोशिश करें कि सीरत तय्यबा को ज़रूर पढ़ें दूसरी गुजारिश ये है मैं वक्त पूरा हुआ चाहता है जो मैं जहन में रख के आया था कि जैसे मोहतरम मेरे नाम के साथ क्या क्या कह रहे थे फ़ख्र अल सुन्नत और क्या क्या मेहरबानी मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना चाहिए थोड़ा सा नहीं बहुत बचना चाहिए ये आपकी मोहब्बत है अल्लाह ताला आपको इस इस पर अजर दे मैं आपकी मोहब्बत का उसकी वो बेकदरी या बेतगिरी नहीं करता लेकिन हमें इस कल्चर को ख़त्म करना चाहिए कि हम एक दूसरे की तारीफ़ करें मैं सैद हूँ ठीक है मेरे लिए इतनी बात बहुत है कि हम हुजूर की आल में से हैं तो ये बस काफ़ी है इसके अलावा मेरे हाल में कोई इतनी ज़रूरत नहीं किसी बात की तो बाकी कौन कैसा है ये अल्लाह बेहतर जानता है इस सब के बावजूद भी हम अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और हम ये समझते हैं कि ज़िम्मेदार लोग जो होते हैं उनसे ज़्यादा पूछगिछ होगी इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को ये बात कहें कि वो ऐसे कल्चर को मत अपनाएं अब वो कारी साहब चले गए अब मु, मुनासिब नहीं है मैं उनको वैसे भी कहता रहता हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ कोई शेर ना पढ़ें कोई मेरी तरफ इशारा करके ठीक है वो भी उनकी मोहब्बत है ऐसा हो जाता है लोग वैसे करते हैं रूटीन में कोई आलम बैठा है कोई पीर साहब बैठे हैं तो उनको इशारा कर दिया तो मैं ये भी अपने हक़ में अच्छा नहीं समझता इसका यह मतलब नहीं कि यह कोई हराम काम है लेकिन वैसे ही अच्छा नहीं लगता इसमें दिल को तसल्ली नहीं है सुकून नहीं है दिल को ज़मीर इसका बोझ उठाता नहीं है बस बात इतनी है और कोई बात नहीं है ऐसा नहीं है कि यह कोई मना है आप लोगों के खिलाफ हो जाए ऐसा कुछ नहीं लेकिन मेरा ज़मीर उठाता नहीं बोझ बस और मैं चाहता हूँ कि ये कभी ना उठाए ये वाला बोझ तो इसलिए मैंने कहा बाकी और दूसरा ये हज़रा पैसे फेंक रहे थे मैं इस तरह के मामला वैसे नहीं करता लेता भी नहीं हूँ पैसे और ये कल्चर भी पसंद नहीं करता लेकिन ठीक है आपकी मोहब्बत है आप अपने अंदाज़ में फेंकें कोई मसला नहीं है लोगों पर फेंकें मुझे कोई एतराज़ नहीं और आखिरी बात ये कि जब भी कभी नारा लगाएं पहली बात तो ये कि मैं नारों के कल्चर के भी ख़िलाफ़ हूँ मैं समझता हूँ कि नारा एक हद तक होना चाहिए किसी मुनासिब वक्त में नारा हो जाए तो अच्छी बात है मुस्तकिल नारे हर वक्त नारे फिर बेतकी के अंदाज़ में नारों को लगाना बेअबी के अंदाज़ में ये वैसे ठीक नहीं है किसी को पसंद हो तो करें कोई हर्ज नहीं रोज़ लोग लगाते हैं हर वक्त लगाते हैं लगाते रहें लेकिन दूसरी गुजारिश इसमें यह है कि नारे में हम गौर करें कि नारा तकबीर जो लगता है इसके बाद क्या कहते हैं अल्लाह अकबर नारा रिसालत लगता है तो क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह अब ये नारा ज़ोक दिलाने के लिए तो ठीक है कोई हरज नहीं आपने किसी नाथ खान को दावत दी तो उससे पहले आप दो तीन नारे लगा लें ठीक है लेकिन अगर आप ये कहें कि अब आप हज़रत साहब का फ़लॉँ साहब का इस्तबाल करें नारों से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नारे में अल्लाह का नाम है अल्लाह के रसूल सल्ला वम का इसमें ग्रामी है इसे लोगों के प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल मत करें आपको बात अच्छी लगे तो मान लें ना अच्छी लगे तो ना माने कोई हर्ज नहीं किसी पर कोई तनकीद नहीं है ये अपना दर्द दिल है मैं आम लोगों को भी कहता रहता हूँ बिलाशुबा नारा हमारी पहचान है लेकिन नारों में बेतकी अल्लाह और उसके रसूल के नाम की मत करें इसी पर इतफ़ा करते हैं मुझे आदत नहीं है लम्बी गुफ्तु करने की अल्लाह ताली जज़ाय खैरतफ़